नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। जेपी नड्डा का कुल्लू में रोड शो, जनसभा में बोले, कांग्रेस ने हिमाचल का हक छीना, बीजेपी ने दिलाया। चंबा में अनुराग ठाकुर बोले, हर विधानसभा क्षेत्र में बनाया जाएगा इंडोर स्टेडियम व जिम। हर्षवर्धन चौहान का आरोप, पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीएम कार्यालय के अधिकारी भी शामिल। हमीरपुर में कांग्रेसियों में खींचा तानी, पठानिया बोले, 4.5 साल जिन्होंने बैठकें बुलाई उन्हें टोका नहीं, हमने बुलाई तो अनुशासनहीनता। बिलासपुर में आधी रात को चाचा ने भतीजे को मौत के घाट उतारा, आरोपी गिरफ्तार। रामपुर के तहत तकलेज में शादी में जा रहे लोगों की कार खाई में गिरी, माँ बेटी सहित 4 की मौत। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का तीसरा रोड शो शुक्रवार को कुल्लू में हुआ। नड्डा सीएम जयराम ठाकुर के गृह संसदीय क्षेत्र मंडी में चुनावी हुंकार भरने पहुंचे हैं। जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने खादी को बढ़ाने का काम किया है। आजादी के बाद आज खादी के क्षेत्र में सबसे अधिक 1,15,000 करोड़ का कारोबार हुआ है। बीजेपी विकास के मुद्दे पर काम कर रही है, मोदी सरकार विकासवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ती रही है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल का हक छीना है, जबकि बीजेपी ने ये हक दिलवाया है। इससे पहले नड्डा शुक्रवार सुबह धर्मशाला पहुंचे, वहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर का उन्होंने शुभारंभ किया। दोपहर बाद वो कुल्लू गए और यहां पर 300 मीटर लंबा रोड शो उन्होंने किया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को 2 दिवसीय चंबा प्रवास पर पहुंचे। चंबा में अनुराग ठाकुर ने 2 खेल अकेडमी का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश सेवा के लिए युवाओं को आगे आना है। हर विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 जिम दिए जाएंगे, युवाओं की भागीदारी होने पर अगली बार 100 जिम भी देंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारा राज्य छोटा हो सकता है, लेकिन उपलब्धियों में बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ देता है। अनुराग ने कहा कि मेरी उम्र पर मत जाना, केंद्र में काम बड़े बड़े करके ही आऊंगा। भारत सरकार में अनुराग को जो पद मिला है उसमें हमीरपुर और चंबा की जनता का योगदान है। वहीं मिंजर मेले के बारे में बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि मिंजर मेला देखने का उन्हें कभी मौका नहीं मिल पाया है, तो सुनिश्चित कर रहा हूं कि मिंजर के मेले में 2 दिन यहीं रुकूं। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में कांग्रेस पार्टी आए दिन प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। उपनेता प्रतिपक्ष और शिलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने शुक्रवार को सोलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती मुद्दे को लेकर चल रहे विवाद को लेकर कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है तब से लेकर अब तक हर भर्ती प्रक्रिया में या तो धांधली हुई या फिर वो कोर्ट में विचाराधीन है। इसके अलावा हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में हुई धांधली से प्रदेश के हजारों युवाओं का भविष्य आज खतरे में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और आज 75,000 युवाओं का भविष्य इसी वजह से दांव पर लगा हुआ है। हिमाचल के हमीरपुर में कांग्रेस के एक खेमे में वर्कर सम्मेलन के बहाने हुई बैठक का विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया ने इस बैठक का आयोजन पिछले सप्ताह किया था, लेकिन उसके बाद जिला कांग्रेस ने इसे अनुशासनहीनता करार देकर कार्यवाही करने का दम भर लिया। मगर पूर्व विधायक ने शुक्रवार को संगठन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जो लोग 4.5 सालों तक इस तरह की बैठकों में मशरूफ रहे तब तो किसी ने उन्हें नहीं टोका, तब वो अनुशासनहीनता नहीं थी। बीजेपी समर्थित ऐसे नेताओं की बैठकों में भी जब कांग्रेस के वर्कर वहां जाते रहे तब तो सब ठीक था, लेकिन कांग्रेस के पुराने वर्कर्स को इकट्ठा करके सुखविंदर सिंह सुक्खू के हमीरपुर आगमन को लेकर यदि इन्हें बुलाकर निमंत्रण देने का काम हुआ है तो वो अनुशासनहीनता कैसे हो सकती है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक हत्या का मामला सामने आया है। जिला के घुमारवी उपमंडल के संजार गांव में आधी रात को चाचा ने भतीजे का दराट से गला काट दिया।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है और स्योथा गांव के जगदीश ने संडियार के अरविंद उर्फ धिक्का पर दरार से आधी रात को हमला कर दिया। अरविंद की मौके पर मौत हो गई और इसी बीच संडियार पंचायत की प्रधान ने पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची घुमारवी पुलिस ने देखा कि व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल में एक सड़क हादसे में मां बेटी समेत चार लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर घायल हैं। यह हादसा रामपुर के तहत तकलेच के मुनीश बहाली पंचायत में हुआ है। हादसे में घायल हुए दो लोगों का खनेरी अस्पताल में उपचार भी चल रहा है। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की जानकारी लोगों को सुबह मिली। मुनीश बहाली के गांव जंथल से पाट गांव में लोग ऑल्टो कार में सवार होकर विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। जब गाड़ी पूना क्रशर पॉइंट पर पहुंची तो चालक का गाड़ी से नियंत्रण खो गया और कार सड़क से 100 मीटर नीचे गिर गई। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।